अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज है रमज़ान का तीसरा रोज़ा और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रमज़ान के दूसरे रोज़े की हमारी इफ्तार रूटीन। मैं जो है पकोड़ा मिक्स नहीं बना सकी थी पहले, तो ये मैंने जो है ना जल्दी जल्दी बना रही थी। उस दिन मैंने कहा चलो अभी बना के बेसन में मिक्स करके रख लूँ, काफ़ी टाइम बच जाता है। मैंने इसमें साबुत धनिया है, ज़ीरा है, कुटी लाल मिर्चें हैं, नमक है, कसूरी मेथी है, इनको मैंने जो है ना मोटा मोटा सा जो है पीस लिया, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। ठीक, और ये मैंने बेसन में मिक्स करके अब इसको मैं रख दूंगी और ये बस रोज़ का काफ़ी टाइम बच जाता है। अगर आप ये बना के रखा हो, आप बस इसको जो है ना पानी मिक्स करें और बना लें। काफ़ी सारे लोग ये बना के भी रखते हैं। मैंने जो है ये पहले नहीं बनाया था और ये अब मैंने रोज़े में बनाया है, तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल जो है ना नमक और बाम मिर्चें वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा चलो आज ऊंच नीच हो जाएगी तो बाद में मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद है सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे मौसम में गर्मी की शिद्दत। वैसे जो बाहर ना निकले उसके लिए तो है, जो बाहर जाते हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन जो घर में रहते हैं उनको नहीं लगती। लेकिन फिर भी घर वालों के लिए भी जो है ना गर्मी काफ़ी जो है ना आपकी दफ़ा कम है। जो बाहर धूप में भी जाते हैं धूप की शिद्दत उतनी नहीं है, शायद आखिरी अशरे में जाके जो है गर्मी ज़्यादा हो जाए। वैसे तो दुआ ये है कि इसी तरह अच्छे रोज़े गुजर जाएँ और ना ठंडे ठंडे, मतलब ठंडे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बर्दाश्त हो जाती है। अभी वो वाली गर्मी नहीं है कि आपको पसीना आए और बिल्कुल घुटन हो और किचन में काम ना किया जाए। मैंने फ्रूट चाट बना लिए सारे फ्रूट काट के, और फ्रूट चाट मेरी जो है ना वो तो बिल्कुल खजूर और किशमिश के बगैर अधूरी होती है। जब फ्रूट चाट बना ली तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा चाट मसाला तो ख़त्म हो गया हुआ था और मैंने वो तो मंगवाया ही नहीं है। खैर, मैंने इसमें थोड़ा सा जो है टैंग ऑरेंज और काला नमक डाल के, और काले नमक के साथ भी ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसको बना के पहले रख दो, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फ्रूट अपना पानी छोड़ता है तो वो जूस खुद जो है ना उसमें रिलीज़ हो जाता है और वो जूस जो है ना वो टैंग जो हमने डाला होता है वो बन जाता है। ये काम भी मेरा पहले का था जो मैं अब कर रही हूँ। ये मैंने खजूर जो है इसमें से सबको इनको मैंने वॉश कर लिया, इनको जो है थोड़ी देर ड्राई करके, और मैं इनके जो है ना गुठली निकाल के इसमें बादाम जो है रख लूँगी डाल के, और बस किसी तरह जो है ना बॉक्स में डाल के फ्रिज में चला जाएगा ताकि जब बस इफ्तारी का टाइम हो तो निकालो और बस टेबल पर रख दो। ये अब बन रहे हैं स्प्रिंग रोल। इसकी भी कुछ जो है वेजीज मैंने कल तो मैं घर पे नहीं थी, मैंने जो है जब रमज़ान की तैयारी कर रही थी उस दिन काट ली थी, लेकिन मैं ये बना नहीं सकी थी टाइम कम होने की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने इस तरह फ्रिज में रख दी थी और कुछ जो है ये मैंने अब फ्रेश काटी हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, हरा प्याज है, बंद गोभी है। इनको मैं डाल के सबको इकट्ठा स्टर फ्राई कर लूँगी और इसके साथ जो है ना मैंने चिकन बॉयल करके श्रेड किया हुआ था। अब इसमें नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सोया सॉस और विनेगर ये डाल के इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि रोल के अंदर जाके अगर ये बहुत ज़्यादा फ्राई होंगी तो ये बहुत सॉगी हो जाती है। जब हम रोल फ्राई करते हैं और जब हम फ्रीज कर देते हैं, निकालते हैं इनको फ्राई करते हैं, तो फिर ये सॉगी हो जाती है। मैंने थोड़ा सा जो है इसमें मटेरियल निकाल लिया रोल का, जितना मुझे लग रहा था कितने रोल इनफ होंगे, और बाकी जो है मैंने एग नूडल्स बॉयल करके उसमें डाल दिए हैं बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो शौक से खा लेंगे। और ये जो है अब मैं जो टाइम कम था तो मैं सिर्फ उतने ही रोल बना लूँगी जितने आज जो है हमारे फ्राई हो जाएँ और हम खा लेंगे, बाकी के रोल जो है ना फिर मैं आराम से बैठ के इफ्तारी के बाद जो है फिल कर लूँगी। अभी टाइम जो है बिल्कुल ऐसे भाग रहा था कि बस जल्दी 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 जो मैंने ना ये किए हैं सारे काम। अब मैं ये जो है दही फेंट के थोड़े से जो मैंने वो बड़े बना के रखे हुए थे उनको मैंने पहले ही गर्म पानी में जो है डिप करके रख दिए। इस दही में थोड़ा सा पानी डाला है, नमक है, ज़ीरा है, और इसको मैं जो है अच्छी तरह से बीट करके और इसके अंदर वो जो है बड़े उनको पानी में से निकाल के, उनका पानी निकाल के उनमें डिप कर दूंगी। चटनी का वो क्यूब जो है वो भी बहुत ज़िंदगी आसान होगी कि बस एक कप दही में डालें और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, जब तक इफ्तारी का टाइम होगा वो उसमें खुद जो है ना डिज़ोल्व हो जाएगा। अब ये बड़े बिल्कुल मेरे तैयार हैं, इसके ऊपर ज़रा सी जो है इमली की चटनी जो बनाई थी वो ड्रिज़ल करें, ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी करें, हरा धनिया डालें और दैट्स इट। और ये खाने में मुझे लग रहा था कि मैं इसमें बाकी चीज़ें नहीं डाल रही, पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। टाइम बहुत कम था, ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं, जूस बनाना होता है, बच्चों का अलग बनाना होता है, हस्बैंड का अलग बनाना होता है, पानी ठंडा है, ये वो सब छोटे छोटे काम हैं। और बड़ी ही मज़े की बात ये कि जब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो बिल्कुल 15 मिनट पहले जो है ना हमारी गैस चली गई। आजकल गैस ने अजीब काम किया हुआ है, जब दिल करता है इनका ये लोग गैस बंद कर देते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। कभी जो है ना अब इफ्तारी से पहले 15 मिनट पहले गैस जाने की कोई तुक नहीं बनती थी। खैर, मैंने फिर सिलेंडर रख के जल्दी जल्दी पकोड़े फ्राई किए और रोल मैंने जो है वो वैसे ही बाद में फिर मैंने जो है उनको फ्राई किया, और फिर भी जो है ना एंड टाइम पे काम हो गया था। बच्चों के लिए टैंग बना लिया था, वो बहुत ज़रूरी है, और वो जो है ना इफ्तार टेबल पे बैठती सिर्फ जूस के लिए, बल्कि मैं जब तैयारी कर रही थी तो अली आज मेरे पास किचन में आया और कहता है कि मामा ये आज हमारी
पार्टी किस खुशी में हो रही है, आप ये किस लिए बना रही है? मैंने कहा पार्टी नहीं हो रही बेटा, रोज़े हैं, तो ये मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। सारी तैयारी जो है खैर भागम भाग हो ही गई थी, लेकिन जो है ना मैं पर बाद में जब सहरी की तैयारी कर रही थी उसके लिए मैं खाना बना रही थी, तो उस वक्त भी जो है गैस चली गई और मुझे वो बाकी का काम जो है ना वो सिलेंडर पे करना पड़ा। पता चले किसी दिन सिलेंडर रखूं और सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हो, अल्लाह ना करे वैसे ऐसी नौबत आए। लेकिन ये जो है ना इनको कुछ ख्याल करना चाहिए, रमज़ान में तो कम अज़ कम लोगों को तंग ना करें। अब ये कौन सी बचत कर लेंगे या हमारे मुल्क में कौन सी गैस की ऐसी शदीद कमी हो गई है जो उन्होंने अभी बंद करके जो है वो करनी है। खैर ये छोड़ें सब बातें, अब जो है रोज़ा खुल चुका है, मैं जो है मीठा वगैरह पानी नहीं पीती क्योंकि मुझे लगता है कि उससे जो है ना वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है रमज़ान में, जितना हम मीठा पानी और ये नींबू पानी और ये चीज़ें पीते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैं जो है ना डिफरेंट फ्लेवर्स के ये जो है कैल्शियम ये जो लेके रख लेती हूँ कैल्शियम की टैबलेट्स में, और इसमें जो है मैंने लिया हुआ लेमन फ्लेवर, बिल्कुल इसको पियो तो नींबू पानी वाला इसका टेस्ट आता है। आप ये एक ग्लास बड़ा बना लें। इसके अलावा इसमें कोला फ्लेवर है, इसमें सबको पता ही है जितने डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो जो फ्लेवर का जिस दिन दिल कर रहा हो आप वो डालें और आपका जो है ड्रिंक तैयार हो जाएगा। बच्चे भी बस थोड़ा सा जो मैंने इनके लिए नूडल्स बनाई थी, एग नूडल्स थी, वो खाई हैं। बाकी और जो जो लोग जो हैं चाय पीते हैं पता नहीं वो कैसे सारा दिन जो है गुजारते हैं, काफ़ी उनके लिए मुश्किल होता है, और जैसे ही इफ्तारी होती है उसके बाद उन्हें फौरन जो है चाय की ज़रूरत होती है। मैं भी चाय बना रही थी, मैं तो खैर इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझे चाय ना मैं पीती हूँ ना मुझे उसकी तलब होती है। तो बस ये मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली है, इसके साथ जो मैंने वो बनाए थे लड्डू जो मैंने रखे हुए थे चने की दाल वाले, इनको जो है निकाल के मैं माइक्रोवेव में लगाऊंगी जस्ट फॉर 30 सेकंड्स। मैंने जो है ना इनको माइक्रोवेव में रखा था क्योंकि जो है ना फ्रिज में रखने से थोड़े ये ठंडे ठंडे जो है ना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हार्ड है अच्छे नहीं लग रहे। इनको मैंने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा और ये रेडी हो गए। बस ये थी जी रूटीन। इसके बाद अब करेंगे सहरी की तैयारी। सहरी है, अफ्तारी है, आजकल तो बस यही चल रहा है हर घर में, और इस रमज़ान की जो बरकतें होती हैं और रमज़ान में यही तो मज़ा होता है और बस इसकी जो रौनक होती है वो सारे जो है ना साल फिर हमें इसका इंतज़ार इसलिए रहता है इन्हीं रौनकों की वजह से, इसकी बरकतों की वजह से। इसमें इबादत का अपना मज़ा है, इसमें रोज़ा रखने का अपना मज़ा है, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना जहनी और दिल को ना एक सुकून होता है, वो जो आपकी टेंशन और जो भी आपको चल रही होती है लाइफ में, रमज़ान में जो है ना काफ़ी हद तक उस चीज़ में सुकून होता है और दिल भी पुरसकून होता है। बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।